हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के बारे में आपको जिस न्यूज़ का इंतजार था वो न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। जाने न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों न्यूज़ क्या है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को देखना, पूरी की पूरी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट और आपकी जो संभावित एग्जाम डेट है या आपके एग्जाम कब होने वाली है उसके लिए ऑफिशियल जो अपडेट आई है उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन की न्यूज़पेपर कटिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। आरआरबी इस माह घोषित करेगा कार्यक्रम, परीक्षा फरवरी में संभव। तो दोस्तों आज के दिन की न्यूज़पेपर कटिंग है, अजमेर से दोस्तों ये न्यूज़पेपर है अजमेर का। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है इसको हम यहाँ पर एक बेस मान करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़पेपर बताते हैं वो 100% सत्य है। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर अगर अपने न्यूज़ में दोस्तों न्यूज़ अगर छाप रहा है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर अपने अंदर कोई भी न्यूज़ छाप रहा है तो दोस्तों वो एकदम से किसी न किसी आधार पर जरूर छापता है। तो दोस्तों यहां पर आरआरबी इस माह घोषित करेगा कार्यक्रम, परीक्षा फरवरी में संभव। तो दोस्तों यहां पर न्यूज़पेपर अजमेर से जो रिलेटेड है इससे यहां पर दिया हुआ है कि एनटीपीसी में ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा 2,40,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। तो दोस्तों एग्जाम जो है आपकी 2,40,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है यहां पर एग्जाम देने वाले हैं। एंड आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है इस भर्ती परीक्षा के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा नीचे चल के हम देख लेते हैं यहां पर कि दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी और आरआरसी की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू की जाएगी। दोस्तों यहां तक इस माह के अंत तक जो है शुरू मतलब यहां पर कर देंगे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसका, परीक्षा का जो कार्यक्रम है उसको। एंड दोस्तों बोर्ड की और से पहले एनटीपीसी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि जो बोर्ड की ओर से जो पहले एनटीपीसी एग्जाम को आयोजित किया जाएगा एंड उसके बाद जो है आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम को जो है यहाँ पर आयोजित करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल रेलवे में एनटीपीसी के लिए रिक्त 35,208 पदों और ग्रुप डी के 1,03,769 पदों के भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। एनटीपीसी के लिए 1,26,30,885 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों एनटीपीसी के लिए 1,26,30,885 जो है टोटल आवेदन पहुंचे हैं आरआरबी के पास में। एंड जबकि दोस्तों यहां पर हम बात कर ले अगर ग्रुप डी की, तो दोस्तों ग्रुप डी के लिए यहां पर जबकि ग्रुप डी के लिए भी 1,15,67,248 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों 1,15,67,248 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है एंड 1,03,769 पद जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आरआरसी ग्रुप डी की। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड की ओर से पूर्व में जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम के तहत इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा अगस्त सितंबर में होनी प्रस्तावित थी, परंतु तकनीकी परेशानी और अन्य कारणों से रेल मंत्रालय ने भर्ती बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने के लिए पुरानी एजेंसी को बदलकर नई एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी वजह से दोस्तों जो है आपकी एग्जाम जो है यहां पर जो सितंबर में कंडक्ट नहीं करवा पाई थी आरआरबी, ये भी मैंने पहले बता दिया था कि जो है न्यू एजेंसी यहां पर नियुक्त करने में लगी हुई है आरआरबी। तो इसमें दोस्तों यहां पर क्या न्यूज दी गई है, इससे भर्ती का बीच में ही काम अटक गया। यह परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये भर्ती प्रक्रियाएं कब आयोजित की जाएंगी इसके लिए बोर्ड की ओर से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है, इससे अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। अब यहाँ पर और कुछ हमारी जो न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं कि सूत्रों के मुताबिक अब इस माह के अंत तक परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। यदि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को चुन लिया गया तो जनवरी तक लिखित जो आपकी परीक्षा तिथियों को घोषणा करते हुए प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएंगे। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार पहले एनटीपीसी परीक्षा आयोजित होगी, इस परीक्षा में समाप्त होने के बाद ही आरआरसी की ओर से
ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपकी पहले जो है आरआरबी एनटीपीसी को यहाँ पर दिया जाएगा एग्ज़ाम, एंड उसके बाद जो है आरआरसी की एग्ज़ाम को यहाँ पर ग्रुप डी के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अब मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपकी मतलब फरवरी में अगर एग्ज़ाम संभावित मान रहे हैं तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप जनवरी मान करके चलिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में फरवरी की का है, तो आप अपनी स्टडी को लेकर के जनवरी ही मानिए। और जो है आपके पास अभी मैं बता दूँ कि दोस्तों नवंबर का आधा महीना है और दिसंबर पूरा बचा हुआ है, तो मतलब कि लगभग लगभग एक से डेढ़ से दो महीने के बीच का टाइम जो है अभी आपके पास बचा हुआ है। तो आप जो कि अपनी तैयारी को एकदम से बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपना सारा का सारा बेस आप जो है क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से जो है रेलवे भर्ती बोर्ड अभी आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से पूर्व में की जा रही सहायक लोको पायलट और ग्रुप डी के 2018 की भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। ग्रुप डी के अंतिम पैनल में अब तक जारी नहीं किए गए हैं और एएलपी में भी फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर रोके गए अभ्यर्थियों के संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर रोका गया है, एंड जो आरआरबी ग्रुप डी का अंतिम पैनल अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है और एएलपी के लिए भी यहाँ पर मेडिकल ग्राउंड पर रोके गए हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए भी यहाँ पर बातें चल रही है। और जो आपके एएलपी और ग्रुप डी की जो कैंडिडेट हैं उनको भी अभी तक यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इसी वजह से जो आपकी एनटीपीसी और जो आपकी ग्रुप डी की एग्जाम है वो यहाँ पर थोड़ी सी उनके लिए थोड़ा सा वेट करवाया जा रहा है। तो जैसे ही ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवा दी जाएंगे, मतलब कि पूरी की पूरी तरीके से इन जो ये एग्जाम है लोको पायलट ग्रुप डी और जो आपकी एएलपी के लिए जो जितने भी वैकेंसी हैं इनको एकदम से मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपकी वैकेंसी को यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम ली जाएगी। और एग्ज़ाम लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल होगा या फिर जो भी आपका शेड्यूल होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, उसके बारे में जो है आपको जल्दी ही नोटिस मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ यही बताने का था। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों रेलवे संबंधित पल पल की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।